झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वाच के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल। देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। नमस्कार, खास मुलाकात के नगर सेवक आपके द्वार इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है उपस्थित है नगर सेवक कमलेश चौधरी, जो कि प्रभाग क्रमांक 14 के पार्षद थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम उनसे जानेंगे कि वो जब पार्षद थे उन्होंने कौन से कार्य किए हैं और आगे आने वाले दिनों में वो कौन से कार्य करना चाहते हैं। जो प्रभाग के नागरिक है उनके लिए उनकी क्या और भी इच्छा है कि वो काम उनके नागरिकों के लिए, उनके प्रभाग के नागरिकों के लिए हो सके। तो सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे है कि आपके नगर में अलग अलग प्रकार की समस्या है जिसके निवारण के लिए आपके क्या प्रयास मतलब शुरू है। अभी तो हमें पता है कि फिलहाल जिस तरह से तो आगे और क्या करना चाहोगे और जैसे अब तक क्या कर चुके हो आप? देखिए मैम, ऐसा है कि पिछला जो 5 साल का जो कार्यकाल गया है, मेरा एक कार्य करने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा डिफरेंट रहा है हमेशा से, कि मैं 5 साल का अपना जो ब्यौरा है वो पूरा ब्यौरा लोगों के सामने हर 5 साल के बाद में होर्डिंग्स के साथ में ही पूरा ब्यौरा मैं लोगों के सामने रखता हूँ। और इस वर्ष भी हमारी ये तैयारियां थी कि हमारा जितना भी जो काम हुआ है तकरीबन 13 करोड़ रुपए के कामों का ब्यौरा मेरे पास में है, और उसको मौखिक रूप से आपके सामने शेयर कर पाना मुझे नहीं लगता कि इतना पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन जो एक बड़े बड़े जो काम है वो लगभग मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि गिट्टी खदान सिविल लाइन सदर इस ऐसे परिसर का ये क्षेत्र, इस प्रकार का ये परिसर था प्रभाग क्रमांक 14, और काफी VIP एरिया भी इसमें जुड़ा हुआ था, जैसे विधानसभा हो गई है, हाईकोर्ट हो गया है, जिला परिसर हो गया है, कॉर्पोरेशन का ऑफिस तक हमारे इस प्रभाग क्रमांक के अंदर में था। और सबसे खास बात मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रभाग के अंदर में जैसे 4 नगर सेवक थे, बट यहाँ पे 7 नगर सेवक थे इस प्रभाग के अंदर में। 3 मनोनीत नगर सेवक भी इसी क्षेत्र से थे, निशांत गांधी जी बोलिए, सुनील अग्रवाल जी बोलिए, या किशोर जिचकर जी बोलिए, तो ये भी इसी क्षेत्र से थे। तो इस क्षेत्र की एक विशेषता रही है कि VIP एरिया होने के कारण जजेस के बंगले हैं यहाँ पे, काफी अच्छे अच्छे लोगों का निवास यहाँ पे है, तो सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि बड़े स्लम्स इसमें जुड़े हुए हैं, गिट्टी खदान परिसर हो, मानवता नगर हो, विकास नगर हो, रामगिरी झोपड़पट्टी हो, या मराठ टोली हो, ऐसे काफी बड़े फुटाला, नीचे का फुटाला जो परिसर है, फुटाला परिसर हो, ऐसे बड़े स्लम्स भी इस क्षेत्र के अंदर में जुड़े हुए हैं। और इस क्षेत्र में काम करते समय हमको देखना पड़ा कि प्रायोरिटी लेवल पे किन कामों को करना चाहिए। तो हम लोगों ने धम्मा नगर नाले का जो एक काफी पुराना काम था उस काम को किया। उसी के साथ साथ हमने बड़ी मस्जिद गिट्टी खदान से लेकर पंचशील नगर तक का सीमेंट रोड का काम किया। उसी के साथ पेंटर कॉलोनी जो उसी से लगा हुआ एक परिसर है गंगा कॉम्प्लेक्स के पास का, वहां पे हमने काफी सीमेंट रोड वगैरह के काम किए। उसी के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के अंदर में जलवाहिनी का काम बड़ा जोरों पे हम लोगों का चला, और घर घर नल देने का जो एक OCW के माध्यम से पूरे क्षेत्र के अंदर में पानी की जलवाहिनी बिछाई गई, लोगों को नल घर घर तक दिए गए। उसके साथ एक बड़ा काम हम लोगों ने, ये जब हमारा ये कार्यकाल जब खत्म हो रहा था तब एक बड़ा काम मेरे माध्यम से मैंने करने का प्रयास किया था, सेवनरी हिल्स ये जो परिसर है मैम, ये परिसर कहीं से भी अगर आपको सिविल लाइन्स को कनेक्टिविटी करना है तो हमको 3 किलोमीटर का फेरा पड़ता था। यानी अगर हम चाहे तो या तो हमको वायुसेना रोड से घूम के जाना पड़ता था, या तो हमको WCL के पास से घूम के हनुमान मंदिर परिसर के पास जाना पड़ता था। तो हमने इस को कनेक्टिविटी देने के लिए 11 नंबर DP शिफ्ट पे वेटरनरी टू हनुमान मंदिर एक DP रोड था, उस DP रोड की मान्यता लेके उसको मंजूरी मैंने कमिश्नर साहब के माध्यम से करवा के लिए, और उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा राधाकृष्णन साहब का कि उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए इस काम के लिए उन्होंने मंजूरी की। तो ऐसे बड़े कुछ काम जो थे वो इस पंचवर्षीय कार्यकाल के अंदर में हम लोगों को करने में आए। उसी के साथ साथ एक बड़ी शुरुआत राज्य शासन के माध्यम से की गई थी, राज्य सरकार के माध्यम से की गई थी कि मालकियत पट्टे जो दिए जा रहे थे, इस पट्टे देने का प्रोसेस जो शुरू किया गया, तो मैं मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इसका सबसे पहला जो एक कार्यक्रम था वो हमारे इस प्रभाग के अंदर में विकास नगर इस परिक्षेत्र को करके मैंने करवा के लिया,
उनके सभी के पट्टे वाटअप हुए, उनको गवर्नमेंट के माध्यम से रिलीज पट्टा अलर्ट करवाया गया। तो ऐसे काफी बड़े बड़े जो काम थे इस क्षेत्र के अंदर में हमने करवाए हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आपके प्रभाग में जजेस के बंगले मतलब बंगलोज हैं, कॉर्पोरेशन का ऑफिस है और उसी तरह स्लम एरियाज भी है, तो आपने अपने एरिया को अपने परिसर को जो है प्रभाग के विकसित करने के लिए कौन से बदलाव किए हैं? मैम ऐसा है कि जो बेसिकली जो चीजें थी जैसे सिविल लाइन्स में तो मुझे नहीं लगा कि कुछ भी करने की जरूरत पड़ी। हमको देखने को मिलता है कि हर साल सेशन जब भी आता है, अधिवेशन जब भी आता है तो रंग रंगोटी और डामरीकरण वगैरह के काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन जो स्लम जो बड़े जुड़े हुए थे यहाँ पे हमको मूलभूत सुविधाओं को लेकर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी था। मानवता नगर ये एक ऐसा परिसर है कि ये गड्ढे में बैठा हुआ परिसर था, तो यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स ये होता था कि रोड सीमेंट रोड किस प्रकार से किया जाए, लाइट्स के काम का बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो ये सब चीजें हम लोगों ने करवाया। उसी के साथ में एक ऑर्डर पास हुआ था मैम हाई टेंशन लाइन के माध्यम से, आपकी शायद जानकारी में होगा कि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि 11 KV से बड़ी जो भी लाइने हैं उन लाइनों से लगे हुए जितने भी मकान है वो पूरे के पूरे मकान डिमोलिश किए जाए, तोड़े जाए। तो उसको भी हम लोगों ने नागरिकों की मदद से उनको साथ में लेकर हाईकोर्ट में उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करके उसके एस्टीमेट तकरीबन कुछ 10-11 करोड़ रुपए के एस्टीमेट बनाकर हमने वो पूरी लाइनें अंडरग्राउंड कराने का प्रस्ताव भी बनवाया और वो प्रस्ताव बनाने के बाद में ही वो कार्रवाई को ब्रेक लगा। तो ऐसे बहुत सारे बेसिकली वर्क रहे जो हमको करने में करने का मौका मिला। जिस तरह से आप ये तो विकास कार्य हो गए लेकिन परिसर के नागरिक रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं रहती है, उन तक कई योजनाएं नहीं पहुंचती है, तो बुजुर्गों के लिए खास तौर पर आपने ऐसी कौन सी योजनाएं पहुंचाई है ताकि उनकी मदद हुई है? कि योजना जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं हैं इन योजनाओं को लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए और उनको किस प्रकार से फायदा दिलाया जाए, तो इसी के चलते जो निराधार बोलिए या श्रावण बाढ़ बोलिए इन सभी योजनाओं के माध्यम से और इसी के साथ साथ जो आवास योजनाओं के जो कार्यक्रम थे जैसे रमई आवास योजना हो गया, सबरी आवास योजना हो गया, तो इनका भी हमने क्रियान्वित किया। बट मुझे बताते हुए दुख होता है कि पिछले 2 साल से रमई आवास योजना का जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से ब्रेक है और उसके कारण काफी लोग फॉर्म भरने के बाद में भी, दुख की बात है कि राज्य सरकार की तरफ से उसको निधि नहीं होने के कारण वो हमारे उस प्रकार के जो कुछ काम है वो रुके हुए हैं अभी। हम देखते हैं कि समस्या पानी और कचरे की समस्या ज्यादातर हमें दिखाई देती है प्रभाग में, तो इसके लिए आपने किस तरह से मतलब कार्य किया है? बताना चाहूंगा मैम कि सदर जो एक परिसर मैंने आपसे बताया अभी कि सदर परिसर भी मेरे क्षेत्र के अंदर में जुड़ा हुआ था और सदर इस परिसर में आप पता कर सकते हैं कस्तूरबा लाइब्रेरी, नागपुर महानगर पालिका की एक बड़ी लाइब्रेरी है कस्तूरबा लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी से लगकर एक 50 साल पुराना काफी बड़ा कचरा घर था जो डंपिंग यार्ड के रूप में बन चुका था। यानी यहाँ पे हॉस्पिटल्स का वेस्ट, होटलिंग का वेस्ट और लोगों के सामान्य लोगों का कचरा, बट ये एक रिहायशी इलाके के अंदर बना हुआ था और ये 50 से 60 साल पुराना कचरा घर था। इसको काफी लोगों ने प्रयास किया बंद करने का लेकिन ये बंद नहीं हो पाया। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैंने उसको एक ही दिन में बंद कराया और बंद कराने के बाद में हमने उसको एक आंदोलन तरीके से बंद करवाया। काफी लोगों को उन चीजों के कारण समस्याएं भी हुई कि भाई हम मेडिकल वेस्ट कहाँ डालेंगे, हम होटलिंग का वेस्ट कहाँ डालेंगे। हमने उन चीजों के लिए जो हमारे पूर्व आमदार थे सुधाकर जी देशमुख साहब उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने सदर परिसर के लिए स्पेशली कचरा उठाने के लिए 2 गाड़ियां अपने डीपीडीसी फंड से परचेस करके दी थी और तब जाके वो 60 साल पुराना जो डंपिंग यार्ड था, जो कचरा घर था, उसको हमने बंद किया। तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं, भरतनगर का कचरा घर हम लोगों ने बंद किया, तो ये जो जो हमारे क्षेत्र के अंदर में ऐसी वाली जो समस्याएं थी जो हमको देखने में मिली कि इससे बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रिहायशी इलाके में बना हुआ है, तो इन चीजों को बंद करने का हमने प्रयास किया और निश्चित रूप से उसको बंद करने में हम सफल रहे। जिस तरह से आपने बताया कि जो मतलब इलाका आपके इसमें आता है, जो क्षेत्र आता है, कई सड़कें वहां से गुजरती है लेकिन सड़कों पर हमें गड्ढे दिखाई देते हैं, दुर्घटनाएं हमें अक्सर होती दिखाई देती है, इस पर भी आपने कुछ कार्य किया है? जी मैम बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो फंडिंग हमारा यूज हुआ वो डामरीकरण और सीमेंट रोडों पे ही यूज हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र एक चारों तरफ से बड़ा हुआ क्षेत्र था और ये चारों तरफ से बड़ा हुआ है। ये सबसे इन्हें आप भौगोलिक परिस्थिति से जब आप इसको देखेंगे कि काफी बड़ा क्षेत्र है,
यानी एक तरफ रामनगर चौक आता है, दूसरी तरफ सदर का जीरो माइल आता है, फिर तीसरी तरफ गिट्टी खदानी स्क्वायर आता है, चौथी तरफ वायुसेना गेट आता है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत विस्तारित, तो बहुत विस्तारित क्षेत्र होने के कारण हम लोग सभी जगह पे, मैं यानी मेरा अकेले का फंडिंग पहुंच पाना ये पॉसिबल नहीं था। और मैं जैसा कि बताया कि ये भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ही शायद नेशनल पार्टियों ने ये एक डिसीजन लिया था कि यहाँ पे मनोनीत नगर सेवक बढ़ाए जाने चाहिए। तो ऐसे तीन नगर सेवक मनोनीत भी इसी क्षेत्र से रहे। और फिर भी हम लोग, मैं इस चीज को एग्री करता हूँ कि हम काफी हद तक इस चीज को समाधान नहीं कर पाए कि हर जगह पे गड्ढे कंप्लीट हुए हो या हमने हर जगह पे इस प्रकार का काम कर दिया हो। कहीं ना कहीं हम इन चीजों के लिए मानते हैं कि हम लोग कम पड़े हैं, फंड कम पड़े हम लोगों को। जिस तरह से ये तो हो गए आपने किए हुए कार्य, लेकिन अगर आगे भी आपको मतलब मिलता है, चांस मिलता है, तो किस तरह की कार्य आप आपके प्रभाग के जो नागरिक है उनके लिए करना चाहोगे? मेरा ऐसा मानना है कि एक हमने अक्सर देखा है कि हम जब भी बात करते हैं तो जनप्रतिनिधियों से हमारी अपेक्षाएं जो होती है वो रोड, गली, सड़क, नली, बस यहीं तक हम लोग सीमित रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैम, अगर यही एक जनप्रतिनिधि का इतना ही सिर्फ अगर काम है तो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के अलावा दूसरे मंत्रियों की फिर जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर हम बाकी की चीजें अगर करना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन चीजों के ऊपर में हमको काम करने की जरूरत है और इस पर प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। मेरे पास में कुछ प्लानिंग्स है, निश्चित ही रूप से अगर मुझे एक मौका वापिस से मिलता है और एक अच्छी जगह अगर मैं बैठ के उन चीजों को क्रियान्वित कर पाऊँ तो मैं अपने आपको बहुत खुश नसीब समझूंगा। आने वाला जो मतलब इलेक्शन रहेगा महानगर पालिका का, उसमें जो है आप एजेंडा, आपके एजेंडा में एजुकेशन, शिक्षा, ये मुद्दा बिल्कुल रहेगा मैम, क्योंकि उसका कारण है कि आप देखिए हमारे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब हेल्थ की जब बात करते हैं, हमने कोविड में भी देखा कि कोविड से आप, मैं बोल रहा हूँ करके नहीं, आप कोविड के पहले का एक विधानसभा जब हुई थी उसके पहले नवभारत ने एक प्रोग्राम लिया था मैम, और वो प्रोग्राम जब बर्डी के जिस हॉल में हुआ था उस समय मुझे ज्ञात नहीं था कि कोविड नाम की कोई बीमारी आ सकती है और इस प्रकार की महामारी से हम लोग जूझने वाले हैं। उस समय में भी मैंने एक प्रोग्राम रखा हुआ था सामने, उस पत्र परिषद में मैंने वो प्रोग्राम रखा हुआ था कि हमको जरूरत है कि हम हेल्थ के बारे में कहीं कोई प्रोग्राम सेट करें। हम लोग कारपोरेशन के दवाखाने या मेयो या मेडिकल, इन चीजों के ऊपर सिर्फ निर्भर नहीं रह सकते हमको। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक इस प्रकार का प्रोग्राम सेट होना चाहिए, इस प्रकार की कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। हम अदर कंट्रीज में हम लोगों ने देखा है या हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज में इस प्रकार की फैसिलिटीज है कि आपका एक कार्ड बन जाता है और उस कार्ड के माध्यम से ही आपको यानी एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सिटी के अंदर में किसी भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो इस चीज के ऊपर में एक प्रोग्रामिंग तैयार होना चाहिए, इस पे ऐसी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। हम देखते हैं मैम कि स्लम के जितने भी लोग हैं वो लगभग लोग सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर में निर्भर है। आप देखिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर फैसिलिटी सब चीजें बरोबर है तो फिर हमारे जितने भी बड़े नेता लोग हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए इस ओर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, तो आप हेल्थ के दृष्टिकोण से भी जो है क्या करना चाहोगे आपके क्षेत्र? मुझे ऐसा लगता है मैम कि अगर एक छोटे क्षेत्र के अंदर में इसको नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा क्षेत्र अगर कभी मुझे भविष्य में इस प्रकार का कोई बड़ा क्षेत्र अगर मिलता है और मेरे पास में फंडिंग पावर होते तो मैं निश्चित ही रूप से इस चीज को अमेंडमेंट में लाऊंगा कि उस पूरे क्षेत्र का एक डाटा हम लोग कलेक्ट करें और उस डाटे को कलेक्ट करके उस डाटे के माध्यम से एक एक परिवार का हमारे पास में पूरा डाटा हो और उस डाटे से जो आने वाले समय पे जो इस प्रकार की परेशानियां हैं इस परेशानियों से निजात पाने के लिए हर फैमिली का एक हेल्थ कार्ड बने और वो हेल्थ कार्ड नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से हर फैमिली को प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि 10 लाख तक या 5 लाख तक उसका एक पॉलिसी डिसाइड किया जाए और इतना जो ट्रीटमेंट जो है वो हर फैमिली को कॉर्पोरेशन के माध्यम से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कर सके, इस प्रकार का एक पॉलिसी तैयार करके इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मेरे दिमाग में इस प्रकार के कुछ आइडियाज है जिस चीज को शायद मैं यहाँ शेयर ना कर पाऊँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से इन चीजों के लिए मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रही है कि इस प्रकार का एक प्रोग्रामिंग आगे किया जा सके। अभी आपने बातों ही बातों में कहा कि अगर मुझे बड़ा क्षेत्र मिलता है, बड़ा फंड मिलता है तो मैं हेल्थ के लिए इस तरह के प्रोग्राम जो है करना चाहूंगा, तो क्या आप पार्षद से विधायक की ओर भी मतलब मार्गक्रम कर रहे हो? निश्चित रूप से इस चीज को लेके कहीं पे भी संकोच नहीं है और कोई यानी शंका भी नहीं है।
क्योंकि मेरा 15 साल का टेन्योर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और निश्चित रूप से महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद में मुझे भी लगता है कि विधायक की मुझे पार्टिसिपेट करनी चाहिए, क्योंकि विधायक ही लड़ने के बाद में एक क्षेत्र जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बड़ा क्षेत्र अगर हम लोगों को मिलता है तो उसके साथ साथ में एक बड़ा फंड काम करने के लिए मिलता है और उस बड़े फंड के माध्यम से मैं आपको कुछ नियोजन आपने बोला तो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक 5-10 करोड़ रुपए का अगर हम लोगों को फंडिंग होता है तो एक 10 करोड़ रुपए के फंड के माध्यम से हमने एक 5-6 कंपनियों के माध्यम से हमारे पूरे मतदार संघ का डाटा कलेक्ट कर लेना है कि पर फैमिली में कितने लोग हैं और उस फैमिली के डिटेल्स के माध्यम से ये पूरे मतदार संघ का डाटा हम लोगों के पास में 5-6 लाख लोगों का आ जा रहा है। हमने 4-6-8 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को बैठा के बार्गेनिंग करने लगानी है कि भाई आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस एक कंपनी को देते हैं साल का प्रीमियम आप कितना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतना बड़ा एक बिजनेस किसी कंपनी को दोगे तो अगर हमने 5 कंपनी सामने बिठाई और अगर एक कंपनी ने बोला कि मैं 12,000 रुपए करूंगा तो दूसरा बोलेगा मैं 6,000 में कर दूंगा, तीसरा बोलेगा मैं 3,000 में कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का अगर हमारे पास में फंडिंग है तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ये पूरा का पूरा डाटा देकर इन सभी लोगों का हमारे पूरे मतदार संघ का यानी कम से कम इलाज के बगैर किसी भी आदमी की मृत्यु ना हो मौत ना हो तो इन चीजों के ऊपर में इस प्रकार का एक प्रोग्राम सेट किया जा सकता है। और ये जो हमारा एक जो फंडिंग है क्योंकि हमारे पास में बाकी के भी फंड से बाकी के भी हेड से बाकी के भी मंत्रालय हम वहां से फंडिंग खींच के बाकी के कामों के लिए ला सकते हैं, पर ये जो चीज होगी इससे साल भर के लिए हम लोग सेफ हो जाएंगे कि हमारे क्षेत्र के अंदर में इस प्रकार की परेशानियों से किसी को जूझना नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फंडिंग मैंने जो बोला ये एक विधायक के ही तौर पे इतना बड़ा फंड जनरेट किया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब जो एजेंडा आएगा उसमें कई तरह के नए मुद्दे हमें शामिल दिखाई देंगे आने वाले नगर निगम के चुनाव के लिए। तो हमारे साथ आज थे कमलेश चौधरी जो की पार्षद थे प्रभाग क्रमांक 14 से और उन्होंने जो कार्य किए है 5 सालों में उसकी कार्य पूर्ति यहाँ पे हमें बिल्कुल संक्षिप्त में बताई है, लेकिन आगे वो क्या करना चाहते हैं उन्हें अगर मौका मिलता है अपने प्रभाग की जनता के लिए नागरिकों के लिए वो क्या करना चाहते हैं ये भी उन्होंने बताया और मेन मुद्दा शिक्षा और हेल्थ इस पर भी वो कार्य करेंगे ऐसा उन्होंने अभी कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी जो आपके कार्य की दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में वक्त चला यही रुकने का, देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार। झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक, आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वार्ड के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल, देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वारा।